नमस्कार, दिनभर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुख करते हैं दिनभर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि आज गोड़ा के राजमहल परियोजना क्षेत्र के ललमटिया के ईसीएल कोयला खदान में कोयला चुनने वाले ग्रामीण और सीआईएसएफ के जवानों के बीच झड़प हो गई, जिसमें सीआईएसएफ के जवानों ने अपने बचाव में कई राउंड फायरिंग भी की है। वहीं इन सब चीजों के बीच सीआईएसएफ के जवानों ने बताया कि चलती ट्रेन से कोयला निकालने पर मना करने पर ग्रामीणों द्वारा जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई थी। वहीं जवान जब भागकर गार्ड बोगी में घुस गए, तब कोयला चोरों ने गार्ड बोगी पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद बचाव में सीआईएसएफ के जवानों ने फायरिंग की है। वहीं इसकी सूचना ललमटिया थाना को मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं खबर भेजे जाने तक सीआईएसएफ के जवानों द्वारा ललमटिया थाने में आवेदन दी जा चुकी थी। दूसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी जिला परिषद कार्यालय के नजदीक राजेश जायसवाल नामक होलसेलर के पास से प्रशासन ने करीबन 15 लाख का प्रतिबंधित पान मसाला जब्त किया है। एसडीएम ऋतुराज ने बताया कि इन प्रतिबंधित पान मसालों में तीन तरीके की रजनीगंधा और तुलसी जब्त की गई है। आज सुबह करीबन 10 बजे यह छापेमारी की गई है, जिसमें तीन मिनी ट्रक पान मसाला होलसेलर के घर से बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि यह पान मसाले एक साल के लिए झारखंड राज्य सरकार की ओर से बैन किया गया है। पान मसाला के साथ पुलिस ने एक महिला को भी न्यायिक हिरासत में लिया है। तीसरी खबर में आपको बता दें कि चर्चित बालमुकुंद दुबे आत्महत्या कांड में आज पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना प्रभारी मुकेश पांडे ने बताया कि पिछले कुछ दिन पहले बालमुकुंद दुबे ने आत्महत्या की थी। इससे पहले उनकी पत्नी ने एक FIR दर्ज कराया था कि बालमुकुंद दुबे के साथ कुछ लोगों ने कमरे में बंद कर मारपीट की थी, कपड़े खोलकर उनके वीडियो बनाए थे और 1.5 लाख रुपए ऐठे गए थे। इसी आरोप में आज पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक महिला सहित उनके पति और बेटे को भी हिरासत में लिया है। अगली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के TOD में कल देर रात फंदे से लटकती एक महिला का शव बरामद किया गया था। शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल गोड्डा लाया गया था। इधर मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम ललिता देवी था। आसपास के लोगों की माने तो महिला घर में अकेली रहती थी। उनके पति झारखंड पुलिस के जवान थे और वह जामताड़ा में कार्यरत थे। इधर पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि महिला की हत्या कर उनके शव को टांग दिया गया है। आत्महत्या है या हत्या, इन तमाम बिंदुओं पर जांच अभी बाकी है। पुलिस ने बताया है कि जिस कमरे से महिला का शव मिला था, उस कमरे का दरवाजा भी अंदर से लॉक नहीं था। अगली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा में जमीन विवाद का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ एक ओर एक पक्ष जमीन पर मालिकाना हक अदा करते हैं, तो दूसरे पक्ष खुद को जमीन का पुश्तैनी हकदार बताते हैं। दरअसल यह कहानी गोड्डा के सरकंडा में चल रहा है, जहां एक पक्ष का कहना है कि उनके जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि इस जमीन पर उनके 6 फरीकों का हिस्सा है और दूसरे पक्ष द्वारा जमीनों को बेचा जा रहा है, इसलिए वह अपने जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष की माने तो पहले पक्ष द्वारा जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। प्लॉट के नजदीक जाते ही उनके साथ मारपीट की जाती है। अगली खबर में आपको बता दें कि आज बसंतराय थाना क्षेत्र के खुर्द साखी में पिकअप वाहन ने पीछे से एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि मोटरसाइकिल पर 2 आदमी और 1 बच्चे सवार थे। वहीं दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत आसपास के लोगों द्वारा उपचार के लिए भेजा गया और दुर्घटना की खबर बसंतराय थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद बसंतराय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पिकअप वाहन को जब्त कर थाना ले आई। जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्ति अपने निजी काम से शाहपुर से बसंतराय जा रहा था। अगली खबर में आपको बता दें कि आज मेहरमा प्रखंड मुख्यालय में मजदूर संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का कारण यह था कि पिछले एक साल से किसी भी मजदूर को भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए आज मजदूर यूनियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी, प्रदेश महामंत्री उदय शाह, प्रदेश सचिव सुरेंद्र राम, प्रदेश कोषाध्यक्ष सकेंद्र भुनिया, प्रदेश महामंत्री राजकुमार पंडित, जिलाध्यक्ष सोनू कुमार चौबे की अगुवाई में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। और अंत में आपको बता दें कि आज पाकुड़ के पकुड़िया में सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान डॉक्टर रामजी दिनकर, जो पकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर जा रहे थे। इसी बीच पकुड़िया महेशपुर मुख्य पथ पर सलगापाड़ा के नजदीक वाहन का चक्का फट जाने की वजह से असंतुलित होकर पलटी खाकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई मानवीय घटना नहीं हुई। घायल चालक को पकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर गुनाधर मांझी प्राथमिक उपचार कर उनकी स्थिति बेहतर बताए।